अल्लाहुम्मा अल्हली मुहम्मद नबील नबी व व बारिक वबारक अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद शाज़िया आज के इस व्लॉग में मैं आपको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अच्छा जिस टाइम हम लोग कहाँ जा रहे हैं हम आ जा रहे हैं मुस्तफ़ा तो को आउटिंग पे लेकर जा रहे हैं और मुशतबा की आउटिंग ना हमेशा रह जाती है क्योंकि माशाल्लाह मेरे बाकी बच्चे जो है ना वो थोड़े से बड़े हो गए अलहमद ला तो उनको ये ना स्विंग्स वगैरह और ये वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते और मुशतबा जो है वो भी माशाल्लाह फ़ोर ईयर के हैं तो मुशतबा के लिए हमें टाइम निकालना ना बहुत मुश्किल होता है जब भी फैमिली गेट टुगेदर होती है या हम लोग बच्चों को बाकी बच्चों को कहीं लेके जाते हैं ना तो वो ऐसी प्लेसेस पे ज़्यादातर जाया जाता है जहाँ पे वो एंजॉय करते हैं सो मुशतबा का हमेशा से ही ना रह जाता है सो किसी टाइम हम लोग टाइम निकालते हैं स्पेशल या अगर हम लोगों ने ग्रॉसरी वगैरह करनी या इंडोर जो थोड़ी सी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो ज़्यादा मौसम के लिहाज से जैसा भी वेदर होता है ना तो आप लोग ठीक इंजॉय करते हैं तो अगर हमने ग्रॉसरी करनी होती है या हमारा कोई थोड़ा सा और सीन होता है अगर हम लोगों ने निकलना होता है तो हम लोग ट्राई करते हैं कि चले ना थोड़ा सा मुशतबा को भी ना आउटिंग वगैरह करवा लेते हैं सो so, आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं एम्पोरियम मॉल आए हुए हैं और ये सारी आप डेकोरेशन देख सकते हैं ये आई थिंक इन लोगों ने जो है फ़ोटीन फेब से रिलेटेड uh, ना ये सारा कुछ इन्होंने बनाया हुआ है और uh, अभी बस हम लोग मुशतबा को आज यहाँ पर लेके आए हैं और आज हम लोग उनको फन फैक्ट्री लेकर जाएंगे इससे वो यहाँ पर स्विंग्स वगैरह और जो जो मुशतबा इंजॉय करेंगे सो आज की वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल भी सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक एंड कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा थैंक यू सो मच अच्छा जी आप रश देख सकते हैं इतना ज़्यादा रश था वीकेंड पे हम लोग गए थे बहुत ज़्यादा रश था हम लोग आज सिर्फ कोई ना हमने शॉपिंग करनी थी कुछ भी नहीं करना था आज हमारा मकसद सिर्फ था मुशतबा को एंजॉय करवाना सो so, हम लोग डायरेक्ट जो है ना आज हम लोग फ़न फैक्ट्री आए और अब यहाँ पर जो जो मुशतबा को जो है ना झूले वगैरह पसंद है या जो जो वो एंजॉय करना चाहेंगे हम वो सब एंजॉय करेंगे अगर आपने विज़िट नहीं किया हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगी कौन कौन से यहाँ पे इतने मज़े मज़े के झूले हैं और अगर आपके भी बच्चे छोटे हैं बल्कि ये तो ऐसा एरिया जहाँ पर अगर आप बड़े भी हैं ना तो भी बहुत एंजॉय करते हैं अच्छा ये हमने ट्रेन की टिकट ली थी मैं भी मुशतबा के साथ ट्रेन पर बैठूँगी और हम दोनों जो है ना वो मज़े की ये जो ट्रेन की राइड है ना आज हम लोग ये इंजॉय करेंगे और अच्छा बचपन बहुत से लोग होते हैं ना उनका बचपना कभी भी ख़त्म नहीं होता मतलब उनको स्विंग्स वगैरह का हमेशा से ही शौक़ रहता है लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ मुझे ना स्विंग्स वगैरह बहुत जैसे जिन लोगों को चक्कर या उल्टी आती है ना मैं उन्हीं लोगों में से हूँ कि मतलब मैं ज़रा इसको इंजॉय नहीं करती बहुत ज़्यादा लेकिन आज फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था फ़र्स्ट टाइम नहीं बहुत टाइम बाद मेरा दिल किया था कि ना मतलब सिर्फ मैं और मुशतबा थे तो और हस्बैंड साथ थे तो मेरा दिल था कि आज ना मैं भी बहुत सी ऐसी चीज़ें ना जो इंजॉय करूँ तो ये सारी जो है ना ये इतने मतलब मुशतबा को देख अच्छा लग रहा था क्योंकि ये हर ऐज के लिहाज से ना आप बच्चों को टाइम दे, एज के लिहाज से ना एक्टिविटीज़ ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं अब मुशतबा जो है ना ये सब बहुत एंजॉय करते हैं और उनके लिए कलरफुल चीज़ें और ये सारे स्विंग्स वगैरह और ये सारी गेम्स वगैरह इतनी एंटरटेनमेंट थी ना उनके लिए वो इतना ज़्यादा उनको लग रहा था कि यही लाइफ है एज के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ये वाली जो चीज़ें होती हैं इंसान में मिच्योरिटी आना शुरू हो जाती है फिर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सब कुछ इतना ज़्यादा चेंज हो जाता है सो अच्छा ये सबसे ज़्यादा मुशतबा एक्साइटेड होती है टिकट्स यहाँ से निकलती है इसीलिए इन्होंने इसका नाम रखा है टिकट झूला अच्छा ये इतने मज़े का था ना मैं आपको बताती हूँ इसमें ना इन्होंने ये बलून जो थे ना ये फाड़ने थे ठीक है उसके बाद जी इनको ना एक मिलेगा बड़े मज़े का अगर इन्होंने कोई टारगेट दिए हुए थे चार थे या कितने थे ना बलून आपने फाड़ने उसके बाद आपने ये जो बलून बर्स्ट लिखा हुआ है अगर आपने वो टारगेट पूरा कर लिया ना तो आपको जो है ना ये एक छोटा सा भालू जो है ना वो गिफ्ट मिलेगा जितने आप इसमें से बस्ट करेंगे ना उतने उसी लिहाज से वो आपको कोई ना कोई जो है ना वो टॉय गिफ्ट करेंगे स्टफ़ टॉय गिफ्ट करेंगे सो ये है कि मुशतबा को भी ना एक छोटा सा स्टफ़ टॉय मिला था वो मैं आपको दिखाऊँगी एंड में क्या था लेकिन ये माशाला बड़ी अच्छी जो थी ना गेम थी कि इसमें भी ना इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं ना जिनमें बच्चों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है थोड़ा सा सोचना पड़ता है ना उस तरह की एक्टिविटीज़ बड़े मज़े की होती हैं अच्छा जी ये जी मुश्तबा को मिल रहा है स्टफ स्टफ़्ट और ये इतना एक्साइटेड हो रहा था माशाला माशा और बाकी हम चाह रहे थे हमें ये, ये येलो मिले लेकिन उन्होंने कहा आई थिंक आपने फ़ोर या फाइव बस्ट करने थे फिर आपको मिलना था जितने हमने किए थे ना बस्ट उसमें ये वाला हमें पिंक कलर का मिला था मुशतबा के लिहाज से सूट नहीं कर रहा था क्योंकि ये तो बॉय है लेकिन फिर भी जो है बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी मुशतबाकों तो कि हमें ना ये वाला एक स्टफ़ ट्राई मिला है और उसके अलावा जो है ना यहाँ पर ये फ्लाइंग फैक्ट्री भी है और बहुत से ऐसे झूले हैं बहुत मतलब बहुत कुछ ऐसा यहाँ पर ना गेम्स वगैरह बहुत ज़्यादा है अच्छा ये जो है ना ये बड़े मज़े का ये वाला एरिया जो था ना ये बहुत ज़्यादा अच्छा था यहाँ पर जो थी ना ये फ़ुटबॉल वगैरह को आपने थ्रो करना था तो वो था और बाकी ये सारी आप ख़ूबसूरती देख सकते हैं इतना प्यारा इतना कलरफुल इन्होंने डेकोरेट किया हुआ ना कि जो बच्चों मतलब बच्चों को अगर एक दफ़ा अंदर चले जाए ना खेलने के लिए तो वापस आने का उनका बिल्कुल भी दिल नहीं करता ये ऐसी जगह है बच्चे क्या बल्कि बड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें अच्छा जी ये करनी थी ये बॉल थी यहाँ पर इन्हें बॉल थ्रो करनी थी और इस तरह की बहुत सी मुख्तफ़ चीज़ें थी जो आज हमने सोचा हुआ था मुशतबा को प्रॉपर इन्जॉय करवाएँगे मुशतबा को हर गेम वगैरह जो जो वो कहेंगे वो करेंगे सो आज हमने स्पेशल अपने दिन में से ये टाइम निकाला मुशतबा के लिए और आपको भी मैंने ये सारा विजिट करवाया है यहाँ पर क्या क्या जो हैं स्विंग्स वगैरह कौन कौन से हैं कौन कौन सी यहाँ पर गेम्स हैं और इस तरीके की कि तमाम यहाँ पर ये यह सारी चीज़ें बहुत मज़े की जगह है। अगर आपने भी अभी तक इंजॉय नहीं किया या आप विजिट नहीं कर सके तो जरूर आइएगा आप भी ये फन फैक्ट्री को जो है ना वो इंजॉय कीजिएगा बच्चों के साथ इंजॉय करें ख़ुद आप अगर बड़े हैं तो आपके लिए भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप इंजॉय कर सकते हैं और बस जी इसी तरीके से हमने ये सारा इंजॉय किया और उसके बाद जी हम चले गए घर वापस चले गए फूड वग़ैरह हमने यहाँ से नहीं लिया था हमने बाहर से लिया था सो वहाँ के मैं क्लिप्स वगैरह नहीं बना सकी थी लेकिन बहुत अच्छा टाइम रहा बहुत मज़ा आया और ये था जी आज का सारा व्लॉग आज की सारी वीडियो जो मैंने आपसे शेयर की उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी दीजिएगा थैंक यू सो मच इन ताला अब मैं आपसे अपने न्यू व्लॉग में न्यू कंटेंट के साथ मिलूँगी तब तक के लिए इजाज़त दीजिए दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ मान में रखे सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे और ये छोटी छोटी जो खुशियाँ हैं अल्लाह ताली हमें इन्जॉय करने की तोफ़ी दे